असल में वो ये दिखाना चाह रही थी कि अपनी बहू कितने बड़े घर से लाई। ये बात तो है, लेकिन कि बहू प्यारी तो बहुत है, और वो जब तक वहां थी सबकी निगाहों का मरकज बनी हुई थी। ऐसी भी कोई बात नहीं कि उसकी बहू की तारीफों के पुली बांधे जाए, इतने सारे मेकअप में तो सभी अच्छे लगते हैं। खैर ये बात तो नहीं है, लड़की ब्यूटीफुल तो है और उसके ड्रेसिंग सेंस लाजवाब। देखा नहीं था उसका ड्रेस? भाई खानदानी लड़कियों को पहनने ओढ़ने का सलीका होता है। भाई क्या हम मिसेस कुलसुम को ही डिस्कस करते रहेंगे? तुम बताओ, तुम्हारे बेटे की डेट भी तो फिक्स हो गई है ना, तो वेडिंग ड्रेस कहाँ से बनवा रही हो? आजकल तो लड़की अपनी पसंद की शॉपिंग करती है। उसने तो HSK से बुक करवाया है और थोड़ी एक्सपेंसिव डिजाइनर है, मगर आजकल वही है ना। हाँ भाई, जमाने के साथ चलना होता अच्छी बात है, जिसे इस्तेमाल करना है अपनी पसंद से ले ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ सारमी, हमें भी ज्वाइन करो प्लीज। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। फरजाना, माशाल्लाह तुम्हारा लड़का भी बहुत ही हैंडसम है। माशाल्लाह। अरे उसकी शादी के बारे में क्या सोचा? नहीं, अभी कंफर्म नहीं किया, अपने ही सर्कल में देखूंगी। वही मेरा बेटा शहजादों जैसा है, तो बहू भी तो प्रिंसेस लाऊंगी ना। ये बात तो सही है। रजिया, बहुत खुश हूँ मैं आज। क्या आप ही वजह तो बताओ, क्यों खुश इतना? सारिम ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। क्या आप सच कह रही हैं? आप ही I love you, बहुत अच्छी खबर दी आपने मुझे। I love you too, मेरी गुड़िया। आप ही ये बताएं, सारिम भाई ने खुद कहा ये आपसे? नहीं, कबूतर भिजवाया था लेटर देकर, उसी में सब लिखा था। आप ही अच्छा, सारिम भाई तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पप्पो को कैसे बर्दाश्त करेंगी? उषा तुम्हें पता है, तुम टेंशन का दूसरा नाम हो। अगर किसी को टेंशन नहीं होगी ना, उसे जबरदस्ती दे देती। अपने नाम के बिल्कुल बरक्स हो, हाथ धोती है वैसे। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, पप्पो के मिजाज को तो आप जानती है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है उन्हें बर्दाश्त करना, फिर तो वो आपकी सास होंगी। आप ही शोहर अच्छा होना तो उससे मुंसलिक रिश्ते इंसान बर्दाश्त कर ही लेता। हाँ वैसे ये बात तो है, सारिम भाई हैं बहुत अच्छे, इंशाल्लाह आपके लिए भी ना बहुत अच्छे शोहर साबित होंगे। अच्छा ये तो बताएं, सारिम भाई पप्पो को कब भेज रहे रिश्ते के लिए? पता नहीं, वो तो अभी बात नहीं हुई। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ, तुम पढ़ो, मैं आ रही हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुने। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। ध्यान से। निशान मॉल, आपसे मिलने को ये आए। कौन आया है? शायद आपकी सिस्टर है। अच्छा ठीक है, आप उन्हें स्टाफ रूम में बिठा दे, मैं आती। ओके जी। ये नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपी
ये अरीबा है जिसका मैंने बताया था ना, इसे एक्टर बनने का बहुत शौक है, बल्कि शौक नहीं बहुत सवार है इसके सर पे। फाइनली अरीबा मैंने तुमसे भी मिल लिया। उषा तो हर वक्त तुम्हारी बातें करती रहती है। मेरा एक मशवरा, तुम जिंदगी में जो चाहे वो करना, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो। मैं सच बताऊँ ना, मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। मतलब अम्मी की जिद की वजह से मैंने कॉलेज में एडमिशन कर लिया, वरना तो मैं मैट्रिक के बाद ही घर बैठ जाती। बस अम्मी और भाई कहते हैं और पढ़ो, लेकिन मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है। तालीम बहुत कीमती शय है, अभी तुम्हें कदर नहीं है। जब तुम्हें कदर होगी फिर पता चलेगा कि जो तालीम तुम हासिल करी हो वो कितनी कीमती शय है। अभी तुम ऐसा ही सोचोगे, बाद में ऐसा नहीं सोचोगी। मैंने दाफी किसे समझा रही है, इस पर बिल्कुल असर नहीं होना है। आप ही वो, आज मेरी फीस की लास्ट डेट है, आप सुबह स्कूल जल्दी चली गई तो मैं आपको बोलना भूल गई। अच्छा ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैं लेकर आती हूँ, बैठो तुम लोग। जी आप थोड़ी देर में थोड़ा सा कुछ पढ़ लो। मैं तो नहीं पढ़ रही। शुक्रिया। Not exactly that, लेकिन नखरे दिखा रही बहुत। घबराओ मत, तुम्हारे थैंक यू। अच्छा होने वाला है। भाई वाह, बहुत अच्छी चाय बनाई है। कैसे अच्छा होने वाला? मेरे रजिया का जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया बाजी। पीने की बात की थी ना तुमने? चले इसी खुशी में तुम्हें इनाम देते हैं। पिया क्यों नहीं? ये लो तुम्हारा इनाम, ये सूट है सिलवा के पहन लो। बाजी ये तो बहुत महंगा सूट है और बहुत प्यारा भी, मैं ऐसा करती हूँ इसे फौरन सिलवाती हूँ। बहुत शुक्रिया। अम्मी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सूट तो आपको मामू ने दिया था और आपने उठा के रजिया को दे दिया। क्या क्या बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? Try to understand, ये मेरा टेस्ट नहीं है ना, तुम्हें तो पता है। खाम खा अलमारी में पड़ा रहता, किसी के काम आ गया। देखा ना रजिया कितनी खुश है। मगर अम्मी मामू ने आपको ये बहुत मोहब्बत से दिया था ना। मैं जानती हूँ बेटा, तो मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैंने भी तो उनके सामने खुशी का इजहार किया था ना। उन्हें किसने बताना है कि उनका सूट मेरे पास नहीं रहा? और तुम ना ये जरा जरा सी बात पे सेंटीमेंट हुआ करो। तुम्हें आवाज खोलो। अंडरस्टैंड, सब लोग अपनी नोटबुक पर इससे कॉपी कर ले, मैं खुद चेक करूंगी जल्दी से। निशान मॉल, ये मोबाइल फोन आपकी सिस्टर स्टाफ रूम में भूल गई है। ये मोबाइल मेरी बहन का तो नहीं है, आप स्टाफ रूम में पता कर लें किसी और टीचर का ना हो। मैंने वहाँ मौजूद तमाम टीचर से पूछ लिया है, ये फोन आपकी सिस्टर गई है। अच्छा मुझे दे, मैं पता कर लेती। ठीक है आप जाए। सब काम करें अपना।